क्या आपको मालूम है बहावलपुर एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट के बराबर है, 15 मिनट के फासले पर। ये दोनों एयरपोर्ट वाक़ है। दिल्ली एयरपोर्ट इसलिए बड़ा बन गया कि वहाँ पर रिफ्यूलिंग की जाती है। जिस फ्लाइट ने यूरोप या अमेरिका जाना हो, रिफ्यूलिंग का मतलब दिल्ली एयरपोर्ट फ्यूल, यानी अपने टैंक को दोबारा भरवाते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर आधा घंटा। फ्लाइट हवा में उड़ती रहती है सिर्फ इसलिए कि नीचे हैंगर फारग नहीं होता। जिस फ्लाइट ने यूरोप या अमेरिका या दुनिया में कहीं भी सफ़र के लिए जाना हो तो लाजमी दिल्ली एयरपोर्ट से फ्यूल भरवा कर जा। हम बहावलपुर में रिफ्यूलिंग स्टेशन बना देते हैं तो दिल्ली के आधे से ज़्यादा रश टूट कर हमारे पास आ सकता है। हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन जाएगा, हमारे यहाँ रिफिलिंग भी हो जाएगी, गवर्नमेंट और सेवी अच्छा खासा रेंट भी मिल जाएगा, हमारा एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास हैंगर भी बन जाएंगे, मतलब एक एयरपोर्ट बना हुआ है, साथ काफ़ी रकबा पड़ा हुआ है जहाँ से एयरपोर्ट को और बेहतर किया जा सकता है। एक जहाज़ एक साइड से लैंड करेगा और दूसरी साइड से टेक ऑफ करेगा। नॉर्मल जहाज़ 900 किलोमीटर फी घंटा से चलते हैं। दिल्ली बहावलपुर अगर इस रफ्तार को देखते हैं तो ये आधा घंटा बनता है। अगर बहावलपुर में रिफिलिंग का काम शुरू हो जाता है तो बहावलपुर में इंटरनेशनल फ्लाइट उतरना शुरू हो जाएंगे, होटलिंग के बिज़नेस शुरू हो सकता है, एक्टिविटी बढ़ जाएगी, लोकल बिजनेस में काफ़ी तरक्की आएगी। दुनिया जहाँ के बड़े से बड़े बिजनेसमैनों को बहावलपुर का भी नाम रोशना होना शुरू हो जाएगा, बाहर से लोग आना शुरू हो जाएंगे, बहावलपुर से लेकर दूसरे मुल्कों में जाएंगे और सियासत को फ़रोग मिलेगी। इसके साथ हम सेरा को पिकिंग पॉइंट के बना सकते हैं। दिल्ली में सेरा और हमारे छोटा सा रब, जबकि हमारा सेरा इससे बहुत बड़ा है। खूबसूरत ये है वाले यहाँ खींची गई जा, आपने अक्सर सुना होगा कतर के शहजादे पाकिस्तान की सेराओं में आकर तलवार का शिकार करते हैं, दिल्ली शहजादे तलवार का शिकार करते हैं और मुख्तलिफ हिस्सा लेकर रेसों के मुकाबले करते हैं। अगर ये सब कुछ दुबई या दुनिया के दूसरे मुल्कों में हो सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। दुबई वाले भी यहाँ खींचे चले आएंगे। दुबई का सेहरा हर वक्त सयाहों से भरा रहता है, यही सयाह भी आ सकते हैं। यहाँ अमन अमान का भी कोई मसला नहीं। पाकिस्तान हुकूमत को चाहिए कि ऐसे मंसूबों पर अमल करे। अगर आप पाकिस्तानी हैं और सच्चे पाकिस्तानी हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी ये वीडियो किसी भी अरबाब के पास पहुंच जाए और इस अमल पर काम शुरू हो जाता है तो हम यकीनन कह सकते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की तरक्की के राह में गामजन हो जाएगा।